नमस्कार, हेल्दी किचन नवाजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ सेम के चोखे की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं सेम का चोखा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सेम लिया था, इसको अच्छे से मैंने धोकर, तो यहाँ पे मैंने कुछ सेम बचा कर रखे थे कि आपको कैसे छीलना है ऐसे। मैं तो इसको इसे हाथ से इसके जो इस साइड साइड वाले हैं इसको निकाल लेना है, ये दोनों साइड से निकाल के फिर इसको आप ना चाकू की सहायता से या हाथ से इजीली तोड़ सकते हैं। इसी तरह मैंने सब तोड़ कर ले लिया था। पानी आलू के साथ उबाल लिया था, टमाटर आलू और ये तीनों मिक्स करके। टमाटर में आप क्या करें, उबालते समय थोड़ा सा टमाटर के ऊपर तेल लगा दें ताकि इसके छिलका जो है इजीली निकल जाता है। तो यहाँ पे दो बड़े साइज़ के आलू था और 250 ग्राम सेम है और दो टमाटर है, इसको उबाल के मैंने तैयार करके ले लिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच जीरा, नमक स्वादानुसार लगेगा और यहाँ पे दो बड़ा चम्मच है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का, उसको मैंने दरदरा कूटा हुआ है। आप चाहे तो इसे सब बारीक बारीक काट भी सकते हैं, इसे मैंने दरदरा कूट कर ले लिया है। दो टेबलस्पून हरी धनिया बारीक कटी हुई, एक बड़ा साइज का प्याज, इसको मैंने बारीक काट कर ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे तेल, इसमें सरसों का तेल ही आप यूज़ करें और सरसों के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है चोखे का। तेल को अच्छे से हीट होने जाने देना है पहले हमें। तो यहाँ पे मैंने गैस स्लो करके इसको तेल को गर्म होने देंगे, तब तक हम इसका जो ये सेम है ना उसको इसका पानी नीचे उड़कर हम ले लेंगे। तो इसके इसको हथेलियों के सहायता से इसे दबा दबा के आप इसका पानी नीचे उड़ दें। सारे सेम का हमें पानी निकाल कर ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे सेम का पानी निकाल कर निचोड़ कर ले लिया। आप देख सकते हैं ये पानी हमें यूज़ में नहीं लेना, आप इसे प्लांट्स में डाल सकते हैं, पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो सब फेंके ना इसे प्लांट्स में डाल दें। तो यहाँ पे हमारा तेल भी एकदम अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे जीरा और जीरे को एक सेकेंड के लिए हमें भून लेना है। हमारा जीरा भून चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे हरे सॉरी कटे हुए प्याज, प्याज को हमें एक सेकंड के लिए थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए भून देना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। और इसके साथ साथ हम इसमें जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाए थे वो भी डाल देंगे, साथ में दोनों भून जाएगा अच्छे से। तो जब तक ये हमारा फ्राई हो रहा है तब तक हम इधर आलू को भी अच्छे से मसल के रख लेंगे। इसे मैश करके रख लिया है और यहाँ पर इसको भी हम देखते रहेंगे, ऐसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है सब कच्चापन जाने तक। और इसके साथ साथ हम टमाटर को भी मैश कर लेंगे। आप अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करके ये सब करें। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को भी अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पे हमारा सेम आलू और टमाटर अच्छे से मैश होकर तैयार हो चुका है। अब इसे एक बार चला देते हैं हमारा ये प्याज अदरक हरी मिर्च को। तो इसे मैंने अभी कंटिन्यू चला चला कर अच्छे से भून लिया है, हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने आलू सेम और टमाटर सब। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला है, तो नमक हम स्वादानुसार नमक यूज़ डाल। तो यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, मैं यहाँ लगभग 1 चम्मच नमक डालती हूँ। यह नमक यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, अगर आप प्लेन व्हाइट नमक यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा कम लगेगा। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया डाल दें, सब डाल देंगे, थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा के रख देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा चोखा है बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बस इसे एक सेकेंड के लिए हमें ऐसे कंटिन्यू चला चला कर भून लेना है। तो हमारा चोखा बनकर तैयार हो चुका है, हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया, सर्विंग प्लेट में। अब इसमें हम धनिया से गार्निशिंग कर दे रहे हैं।
तो हमारा सेम का चोखा बनकर तैयार है। इसे आप ठंडा होने के बाद ही ये खाए, दाल चावल या फिर रोटी के साथ भी आप एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी होता है सेम का चोखा, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।